सो गाइस चाइना में वन प्लस एट टू वी स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, जो कि आप लोग ग्लोबली वन प्लस नोट थ्री के नाम से देखने को मिलेगा। बट गाइस इसको परचेज करना सही रहेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में आप लोग बताने वाला हूँ, क्या आपको दूसरा फोन बाय करना चाहिए या फिर आपको वन प्लस नोट थ्री का वेट करना चाहिए, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इससे पहले मैं आप लोग वन प्लस नोट थ्री जो भी चाइना में फोन लॉन्च हुआ है वन प्लस एट टू वी उसका स्पेक बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग पता चल जाएगा कि आपको वन प्लस नोट थ्री का वेट करना चाहिए इंडिया में आने का या फिर आप दूसरे फोन की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप लोग जो स्क्रीन पर ये फोन देख रहे हैं वन प्लस एट टू वी है, जो कि आप लोग ग्लोबली वन प्लस नोट थ्री के नाम से देखने को मिलेगा। बट गाइस इसमें जो आपको कैमरा देखने को मिलेगा, गाइस यहाँ पर बैक कैमरे की बात करें, इस स्मार्टफोन में आप लोग 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है जो कि प्राइमरी कैमरा है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पर फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन फोटो निकाल के दे देता है, जो कि 4K रिकॉर्डिंग के भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पर बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आप लोग 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ आप लोग 80 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। एंड गाइस यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 1.5K एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। और गाइस ये डिस्प्ले आप लोग HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट करती है, 1450 ब्राइट निट्स के साथ आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ब्राइट है। गाइस परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आप लोग डायमेंसिटी 9000 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका एंथ्रेस स्कोर 11 लाख के आसपास है, यानी कि 11 लाख से ज्यादा है, इसका स्कोर 11,23,000 के आसपास है। तो गाइस इसमें जो परफॉर्मेंस होने वाली बहुत ही बेटर होने वाली है, आप लोग वन प्लस नोट थ्री का वेट करना चाहिए या फिर आप लोग दूसरे फोन बाय कर लेना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोग आईक्यू न्यू 7 बाय करते हैं तो वहाँ पर आप लोग जो स्कोर देखने को मिलता है एंटीटू स्कोर, उसका एंटीटू स्कोर 9,50,000 के आसपास है, और उसमें भी आप लोग 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो फ्रंट में सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का मिलता है, और वहां पर आप लोगों को भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो गाइस उसको भी आप लोग जाकर के बाय कर सकते हैं। गाइस यहां पर जो ये स्मार्टफोन है गेमर्स को ज्यादा टारगेट करता है, बट ये जो वन प्लस नोट थ्री है वो आप लोगों को ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, जिसका स्कोर भी आप लोगों को पता है ज्यादा है। चलिए मैं आप लोगों को वन प्लस नोट टू टी दिखा देता हूँ, जो कि मैं स्मार्टफोन यूज करता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वन प्लस नोट टू टी का बॉक्स है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग वन प्लस स्मार्टफोन बाय करना है वन प्लस नोट टू टी आप लोग बाय कर सकते हैं कैसा रहेगा। चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, देखिए जो वन प्लस नोट टू टी स्मार्टफोन है ये आप लोग 29,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट गाइस ये जो वन प्लस नोट थ्री स्मार्टफोन लॉन्च होगा वो भी आप लोग 29-30,000 के आसपास बेस वेरियंट देखने को मिलेगा। तो इसमें प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग डायमेंसिटी 1300 जो प्रोसेसर है वही लगा हुआ है, और उसका स्कोर 6,70,000 के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप लोग इसको वन प्लस नोट थ्री से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत कम है। और गाइस इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो ओके है, मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ दिखाया था कि कैमरा कैसे चलता है परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा। एंड गाइस जो वन प्लस नोट थ्री स्मार्टफोन ये अभी लॉन्च नहीं होगा, ये स्मार्टफोन आप लोग अप्रैल एंड तक ही देखने को मिलेगा, शायद वो बीच में भी 15 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट गाइस अभी कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं कि अभी जल्दी स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा या फिर ग्लोबली लॉन्च होगा, तो ये जो स्मार्टफोन है ये आप लोग अप्रैल एंड तक ही देखने को मिल सकता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन चली गई तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।